प्रेज द लॉर्ड माय फ्रेंड, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ ऐसी बातों को देखने वाले हैं जिस पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या सच में हमारा पिता परमेश्वर हमें ताड़ना देता है या परीक्षाओं में डालता है? हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि सच में परमेश्वर पिता हमें ताड़ना देता है कि नहीं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 6-8 तक, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फ्रेंड्स, अगर हम सच में परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारी परीक्षा होना जरूरी है। जब हमारी परीक्षा होती है तब हम उस चांदी के समान होते हैं जो भट्टी में मिट्टी पर ताया गया और 7 बार शुद्ध किया गया। हमारा संसारी पिता हमारी कितनी ही बार ताड़ना करके हमें सुधारता है, फिर भी हम हमारे संसारी पिता का आदर करते हैं। परंतु परमेश्वर तो हमारा आत्मिक पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता, पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर पिता है। वो हमारी ताड़ना करके हमें स्वर्ग के राज्य का भागी बनाना चाहता है। हमें हमारे परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में चलना है, और अपने सांसारिक चाल चलन व्यवहार को देखकर हमें सीखना है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के अनुकूल जी रहे हैं कि नहीं। हमारे जीवन की सब बातें परमेश्वर के भाने वाली हो, क्योंकि उन ताड़नाओं के समय परमेश्वर हमारा पिता हमें उस चांदी के समान शुद्ध और शुद्ध करता जाता है, और हम हमारे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनते जाते हैं। इसलिए हमारा पिता हमारी ताड़ना करता है, क्योंकि इन ताड़नाओं में ही हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आमीन।